Hey guys, my Myself, प्राची होने प्राची. Guys, आप लोगों तो को बहुत बहुत स्वागत है गाइस आज मैं आपकी वीडियो में सीएम फाइनल का ऑडिट लेके आई हूँ गाइस आप लोगों तो को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एग्जाम सबका आने वाले हैं मुझे पता है एकदम पीक पे है. और इसीलिए आप सोच रहे हो कि कोई ऑडिट का मैराथन आ जाता तो बहुत बढ़िया होता तो गाइज मैं आपको श्योर करती हूँ कैसे मैंने बहुत एनालाइज करके निकाला है कि थर्टी मार्क्स के ना आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले सी एम फाइनल ऑडिट पे ठीक है गाइज तो सीएमए फाइनल का जो ऑडिट सब्जेक्ट है उसमें थर्टी मार्क्स के तो प्रैक्टिकल आने ही आने हैं ठीक है गाइज तो मैं आपको पूरा कंप्लीट थर्टी मार्क्स का प्रैक्टिकल पढ़ा दूंगी यूट्यूब चैनल पे और गाइज आप

वो भी है का जो उसमें आए थे ठीक है? और मैं आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आए थे और का कंपलसरी क्वेश्चन आ सकता है देखो गाइस इस reconciliation की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है रिकनसुलेशन भी देख लीजिएगा आप लोग ठीक है एंड देन ये देख लो और इसके रेशियो का आएगा ठीक है देन कैस का भी आ सकता है अगर कमेंट आई और आपको वीडियो पसंद आई तो ठीक है गाइस तो चलो वीडियो को कर स्टार्ट करते हैं देखो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आता है इसमें से एक भी मिस नहीं होना चाहिए इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ देखो सबसे पहले जो कॉस्ट ऑडिट है ना उसको अपन एप्लीकेबल करते गाइस दो टाइप की टेबल होती है आपने पढ़ा ही होगा कि टेबल ए होती है और टेबल बी होती है गाइस ए में आपको पता होगा कि छह आइटम होते हैं सिर्फ और सिर्फ छह इंडस्ट्री होती है जो यहाँ पे फॉलो करती है और बाकी पूरी अदर इंडस्ट्रीज जो एक बड़ी लिस्ट है इसकी पिछले वीडियो मैंने डिस्कस किया है बी लिस्ट उसमें आप देख लीजिएगा अगर उस पर फॉलो करती है तो गाइस क्वेश्चन कैसा टाइप के आते हैं कि अगर आपका ए में फॉलो रहा है या बी में फॉलो रहा है तो वो टर्न लिमिट से क्रॉस हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसे दिखाता है क्वेश्चन में और फिर आपको ना बस पता करके बताना होता है कि वहाँ पे ऑडिट होगा या ऑडिट नहीं होगा तो गाइज वही अपन चेक करके मैं आपको सिखाऊंगी कैसे देखते हैं सो दैट आपके एक भी मार्क्स कट ना हो ठीक है गाइज तो ध्यान से देखना सबसे पहले हम लोग अगर टेबल ए की बी एफ सबसे पहले प्रोडक्ट चेक करते हैं कि वो प्रोडक्ट ए में फॉल करता है या प्रोडक्ट बी में फॉल करता है ठीक है अगर वो ए में फॉल करता है तो देखना कि अगर उसका ओवरऑल टर्न ओवर इस ओवरऑल टर्न ओवर का मतलब ये होता है कि ए का भी बी का भी ठीक है और कोई अदर होगा तो उसका भी ऐड कर देना ठीक है अदर भी होगा तो उसका भी ऐड करना ठीक है सबका मिला के अगर फिफ्टी करोड़ से ज्यादा है प्लस दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी गाइस बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है एक कंडीशन फुलफिल होने से नहीं बात चलती है और अगर आपका एग्रीगेट टर्न उस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ए का अगर ट्वेंटी फाइव करोड़ से ज्यादा है तब जाके आपका प्रोडक्ट ए वाले में ऑडिट हो सकता है ठीक है गाइस पहली कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो प्रोडक्ट ए वाले में ऑडिट होगा देन गाइस नेक्स्ट है कि अगर प्रोडक्ट बी आप प्रोडक्ट बी बनाते हो तो आप देखना कि पूरी कंपनी का जो टर्नओवर है वो क्या सौ करोड़ से ज्यादा है ठीक है और अगर सौ करोड़ से ज्यादा है तो प्लस आपको ये कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी कि जो टेबल बी के प्रोडक्ट है उसका खाली टर्न ओवर थर्टी फाइव करोड़ से ज्यादा होना चाहिए ठीक है तब जाके आपकी कंपनी के बी प्रोडक्ट वाले में ऑडिट हो सकता है I hope guys, आप को समझ में आएगा इसी के साथ हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं so आपको अच्छे से clear होगा ये मैंने एम का क्वेश्चन लिया है सो so दैट आपको भरोसा है कि हाँ सच में आता है। में को लग रहा है इस बार ज्यादा आने की चांसेस क्योंकि आया इसमें तो लग रहा है कि इस साल इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है तो वीडियो देख लो छोटू सी तो वीडियो है ठीक है तो देखो, सबसे क्या करते? मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया निकालेंगे ओवरऑल मतलब मैंने बताया एक का भी का भी और अदर्स भी, इसको टोटल करोगे तो आपका 110 110 करोड़, तो आपका करोड़ क्या आपकी आप ए और बी दोनों की करवा सकते हो, कब जब उनके इंडिविजुअल टर्न ओवर पच्चीस करोड़ और पैंतीस करोड़ से ज्यादा होगा या उतना होगा तो ठीक है तो देख लेते देखो इसमें कितना 19 है, और इसमें कितना फिफ्टीन है ठीक है गाइस नाइनटीन और फिफ्टीन है मतलब इनको ऑडिट तो नहीं हो सकता क्योंकि ए का हमको कितना चाहिए कम से कम पच्चीस करोड़ चाहिए ए का अकेले का टर्न ठीक है गाइस और हमको बी का अकेले का टर्न कितना चाहिए थर्टी फाइव करोड़ चाहिए तब जाके ऑडिट हो सकता है और ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ठीक है गाइस तो अब कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही मतलब ऑडिट तो नहीं हो सकता उसके बाद गाइस अब मैं आपको एक बात बताना भूल गई चलो अभी बता देती हूँ अपन ना इसमें ना एक और बात होती है बन सके ना देखो इसी में बता देती हूँ देखो कहीं से हम लोग को रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है रिकॉर्ड्स अगर आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है ना, तो कहीं आपको देखना पड़ेगा ओवरऑल टर्न ओवर ऑफ अ कंपनी ठीक है 35 फाइव करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए तब जाके आप उसका वो करवा सकते हो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है और रिकॉर्ड्स में भी ऐसी बात है कि आपको पूरा रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है जिस प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट अपना ए या बी टेबल पे फॉल करता है समझ लो आप पांच प्रोडक्ट बनाते हो बट आपका तो फॉल ही नहीं करता उसमें से एक ही प्रोडक्ट फॉल करता है आपके ऑडिट वाली लिस्ट में तो गाइस उसी का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है सिर्फ अगर आपका ओवरऑल टर्न ओवर थर्टी फाइव करोड़ से ज्यादा होगा तो ठीक है तो देखते गाइस इस क्वेश्चन में देखो बता रहा है कि जो ओवरऑल टर्नओवर है वो 110 करोड़ है जो कि 35 करोड़ से ज्यादा होता है इसीलिए अपन को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा टेबल ए और बी दोनों प्रोडक्ट में आई होप गाइस आपको क्लियर होगा अदर्स में नहीं करेंगे हम ठीक है देन देख लेते हैं अपन को कह दियाऑल टर्न ओवर इज मोर देन हंड्रेड करोड़ ठीक uh, है दल टर्न ओवर ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट अंडर रूल थ्री ए एंड बी इज लेस देन थर्टी फाइव करोड़ ठीक है गाइस थर्टी फाइव करोड से कम है इसीलिए प्रोडक्ट बी में अपन क्या करेंगे ऑडिट नहीं करवाएंगे बट गाइस देखते हैं क्या बोल रहा है द एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ प्रोडक्ट अंडर ए एंड बी इज थर्टी करोड़ इन दोनों को ऐड करोगे तो 34 करोड़ से आएगा ठीक है जो कि 25 करोड़ से ज्यादा है ठीक है देखो लिखा है 35 करोड़ विच इज ज्यादा है 25 करोड़ से ठीक है बट लेस देन 35 करोड़ बट पैंतीस करोड़ से तो कम है इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेबल ए वाले प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑड कराएंगे और बी का नहीं कराएंगे आई होप आप लोग को समझ में आया होगा फिर से बता दूँ क्या देखो आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले एग्रीगेट टर्न ओवर इसमें कौन कौन आता है याद रखना में अरे एक मिनट अपना एग्रीगेट टर्न ओवर जो रहता है ना उसमें आता है ए एंड बी ठीक है बट ओवरऑल में ना ए बी और सी तीनों आता है ठीक है समझ रहे हो देखो यहाँ पर उसी हिसाब से दिया है ना आंसर ओवरऑल टर्न 110 करोड़ विच इज मोर देन हंड्रेड करोड़ एग्रीगेट टर्न ऑफ अ प्रोडक्ट अंडर रूल थ्री इज 34 फोर करोड़ विच इज मोर देन और इक्वल टू 25 फाइव बट लेस देन 35 फाइव करोड़ ठीक है तो कंडीशन ऑफ रूल फोर वन ऑफ अ कंपनीज एक्ट जो है वो फुलफिल हो रही कॉस्ट ऑडिट के लिए प्रोडक्ट ए के लिए ये देखो ठीक है तो इसका ये मतलब हुआ इसको इंटरप्रिटेड के अगर अपन क्वेश्चन का लेके तो ये दोनों को ऐड ये ए और बी प्लस करके थर्टी ट्वेंटी फाइव करोड़ से अगर ज़्यादा होता है या उतना होता है तो ए में आप ऑडिट करवाओगे बट आप बी में नहीं कराओगे क्योंकि दोनों को ऐड करके थर्टी फाइव नहीं हो रहा है ठीक है ये थर्टी फाइव वाला जो लिमिट है वो ए और बी को प्लस करके और इसमें ए बी और सी है सी मतलब अदर्स ठीक है ये ए बी और सी को प्लस करके और इसमें ए और बी है सिर्फ ठीक है गाइज आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे करना है ठीक है इसमें अदर्स लेते हैं इसमें अदर्स लेते हैं बट इन दोनों में अदर्स नहीं लेते हैं ठीक है गाइस अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा देखो गाइस क्वेश्चन जो टेबल ए है उसमें अपन को दिया कि बीस करोड़ है टेबल बी में अपना ट्वेंटी टू करोड़ है तो गाइस इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं अपन कितना आ रहा है फोर्टी टू करोड़्स आ रहा है जो कि थर्टी फाइव करोड से ज़्यादा है और ओवरऑल टर्न देख लेते हैं कंपनी का कितना आ रहा है तो आ रहा है वन जीरो फाइव ठीक है गाइस तो जैसे हमारी कंपनी का टर्नओवर टोटल वन जीरो फाइव है मतलब दोनों कंपनी ऑडिट करवा सकती है और इंडिविजुअल टर्नओवर अगर उनका ज्यादा रहेगा तो गाइस देखो इंडिविजुअल टर्नओवर देख रहे तो फोर्टी टू है मतलब पैतीस से भी ज्यादा है थर्टी फाइव से भी ज्यादा और ट्वेंटी फाइव से ज्यादा है ठीक है गाइस तो उसके हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही कंपनी में दोनों ही टेबल के प्रोडक्ट्स में ऑडिट ऑडिटिंग गा, और गाइस रिकॉर्ड्स का अगर अपन देखें तो रिकॉर्ड्स के लिए तो सिर्फ पैंतीस करोड़ से टर्नओवर ज्यादा होने से रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है तो करना ही पड़ेगा मतलब इसमें दोनों में कराना है ठीक है देखो देख लेते हैं जो की ज्यादा है हंड्रेड करोड़ से और प्रोडक्ट एर बी दोनों का मिलाकर फोर्टी टू है जो की मोर देन है, है तो गाइज इसमें दोनों कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा आई होप गाइस आप लोग को क्लियर होगा कि कैसे अपन कॉस्ट ऑडिट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे पता चलता है गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था छह मार्क्स का है नाइन्टी नाइन परसेंट चांसेस है कि क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में छह मार्क्स का आएगा गाइस मिस मत करना ठीक है इसके बाद गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में ना रेशियो कवर करूंगी रेशियोज एंड uh, जो भी रूल्स रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं जो कि आने वाले डेफिनेटली गाइस आते ही रिकन्सलेशन का मैंने वीडियो अपलोड कर ही दिया है ठीक है आई होप गाइस आप लोग को ये सारी वीडियो हेल्पफुल रख होगी अगर गाइड सबको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है गाइज और अपने हेल्प कीजिए अपने फ्रेंड्स की वीडियो को शेयर करें आई होप गाइज आपको हेल्पफुल लगा होगा बाय बाय